आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश रोलबॉल एसोसिएशन एवं इंदौर रोलबॉल संघ द्वारा 17वीं सीनियर व 14वीं जूनियर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय रोलबॉल प्रतियोगिता का सोमवार शाम खजराना स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में समापन हुआ। इस 2 दिवसीय रोलबॉल राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के इस प्रतियोगिता में राज्य के इंदौर, देवास, भोपाल, ग्वालियर, सागर, सतना, जबलपुर, रतलाम, मंदसौर, नरसिंहपुर, विदिशा, छिंदवाड़ा व अन्य जिलों के बालक व बालिकाओं की टीमों ने हिस्सा लिया, जहां सभी टीमों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आयोजन के दौरान क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाड़िया, मध्य प्रदेश रोलबॉल संघ के अध्यक्ष महेश जोशी, पूर्व पार्षद प्रणव मंडल, भारतीय रोलबॉल संघ के ऑब्जर्वर प्रताप पगारे भी उपस्थित रहे व कोच हेमंत जोशी के निर्देशन में 2 दिवसीय प्रतियोगिता के मैच हुए, जिसका समापन सोमवार देर शाम पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस दौरान इंदौर के रहने वाले खिलाड़ी तनवीर पटेल ने बताया कि वह बीते समय श्रीलंका में गोल्ड मेडल जीतकर आए हैं, जहां इंदौर में उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों को रोल बॉल जैसे गेम के लिए आगे बढ़ाए। वहीं इस दौरान क्षेत्र के पूर्व पार्षद प्रणव मंडल ने कहा कि उन्हें जब पता चला कि रोल बॉल का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट यहाँ होने जा रहा है और मैदानों के लिए तकलीफ आ रही है, तो उन्होंने विधायक महेंद्र हाड़िया से चक्कर खजराना रिंग रोड स्थित शासकीय स्कूल के ग्राउंड को प्रतियोगिता के लिए तैयार करवाया और यहां प्रतियोगिता हुई। इस दौरान इम्तियाज मंडल उपाध्यक्ष नौशाद पटेल, नेहा शर्मा, राजेश्वरी शर्मा, शहजाद पटेल साहेब, जाकिर नेता सहित कई बड़े लोग मौजूद रहे। 2 हेमंत जोशी जी जो इसके आयोजक है, ये कुछ दिनों पहले मिले थे कि यार हमको ग्राउंड नहीं मिल रहा है, हमको राज्य स्तरीय स्पर्धा करवानी है, तो मुझे ग्राउंड बताया। फिर मैंने तुरंत विधायक जी से बात करके इस ग्राउंड की व्यवस्था कराई और आज एक सुंदर राज्य स्तरीय स्पर्धा का आयोजन हुआ। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आयोजकों को बधाई। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।